हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका पर्यावरण का है और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक रहेगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि जैव समुदाय समूह है, जैव समुदाय समूह किसका है? समान रचना के जीवों का या एक ही जात की समष्टि का, विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टि का या मनुष्य जाति का। तो देखिए, जैव समुदाय समूह जो है वो आपका विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टि का है, ठीक है। तो जैव समुदाय समूह किसका है? विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टियों का है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? समष्टि पारितंत्र, जीव मंडल या जीवन में। तो देखिए, जैव समुदाय व अजैव वातावरण के संबंध को जो है पारितंत्र कहते हैं, ठीक है ना, यानी पारिस्थितिक तंत्र पारितंत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है, प्रकृति में खनिज चक्र क्या कहलाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रकृति में खनिज चक्र जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी थ्री। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? अब आपको बताना है, क्लोरीन, फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी फ्रियोन। जो फ्रियोन गैस होती है वो ओजोन परत के लिए घातक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है? तो वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। अम्लीय वर्षा की बात चल रही है, देखिए तो अम्लीय वर्षा जो होता है मृदा प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं वो आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है, व्यापक सर्वे का क्षेत्र क्या माना जाता है? सरकार तथा कानून, जनसंख्या, शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। जो व्यापक सर्वे का क्षेत्र है वो सरकार तथा कानून भी इसके अंतर्गत आते हैं, जनसंख्या भी आती है और शिक्षा भी आती है, ठीक है ना। कानून सरकार करवाती है सर्वे, कानून के दायरे के अंदर रहकर किसका होता है? जनसंख्या और शिक्षा का। तो व्यापक सर्वे का क्षेत्र जो है सरकार तथा कानून, जनसंख्या, शिक्षा, यानी ये सभी आ जाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ योजना का महत्व है, पाठ योजना का क्या महत्व है? समय एवं शक्ति की बचत, उद्देश्यों की स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। पाठ योजना का महत्व है समय एवं शक्ति की बचत, उद्देश्यों की स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि। तो राइट आंसर डी। भ्रमण विधि का प्रमुख गुण है, भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या है? इसमें प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, ए एवं बी, यानी एक और दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, आज ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको भ्रमण विधि के बारे में मैंने बताया था। और हर एक वीडियो में मेरा ये क्वेश्चन जरूर होता है, क्योंकि आपके पर्यावरण में भ्रमण विधि इम्पॉर्टेंट विधि है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ए एवं एक और दो, यानी तीन हो जाएगा। और इसका रीजन ये है कि भ्रमण विधि का मतलब होता है बाहर जाके पढ़ना, और जब आप बाहर जाके देख के कोई चीज़ प्रत्यक्ष पढ़ते हैं तो उसके द्वारा अनुभव तो मिलता ही है आपको सामने देख के पढ़ने से, और साथ में जो अनुभव मिलता है वो स्थायी होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जो आप कभी नहीं भूलते हैं। फ्रेंड्स, बातें काम की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक हमारी ये नई कोशिश है कि आपको हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, योगा टिप्स के बारे में बहुत कुछ और चीजें आपको बताई जाए इस चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये हमारी एक नई कोशिश है, नई पहल है हेल्थ को लेकर, और हेल्थ के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।
फ्रेंड्स, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसी तरह से मैं एमसीक्यू आपके लिए लेके आती रहूँगी। और आप, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़े कम एमसीक्यू लेके आ रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें, याद कर सकें। एक साथ ज़्यादा एमसीक्यू लेके आने से आपके माइंड में उतना इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।